मध्य विद्यालय कोयरी टोला पचम्बा के प्रांगण में सोमवार को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। यहां झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा व सचिव संदीप कुमार बर्तम के मार्गदर्शन में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम ने सभा को संबोधित करते हुए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से उपभोक्ताओं के अधिकार को बताया। सभा को संबोधित करते हुए स्थायी लोक अदालत के सदस्य सुधीर सिन्हा ने उपस्थित ग्रामीणों को स्थायी लोक अदालत में आकर अपने छोटे मोटे केस के पूर्व समझौता करने की जानकारी दी एवं पैनल अधिवक्ता अंजनी कुमार सिन्हा ने भी उपस्थित ग्रामीणों को विधिक सहायता के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। इधर पैनल अधिवक्ता गोपाल रजक ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग के द्वारा मजदूरों के बीच शर्ट पैंट का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। उपस्थित लोगों में कामेश्वर कुमार, मंजू शर्मा, धीरज कुमार, शारदा कुशवाहा, सुबोध कुमार, सुनील कुमार यादव, महेंद्र वर्मा, रुक्मणी देवी, मोहम्मद अल्ताफ आदि लोग शामिल थे। ऑपरेशन के नाम पर पैसा लूट लेता है चाहे और किसी तरह से लूटता है, अगर हम लोग पक्का बिल हो, अगर नुकसान हो तो हम लोग कोर्ट में जाके उसका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हम लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं और कुछ मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके कारण लोग यही चीज है कि हम जुटे रहते हैं। अब आपके भी हमारे यहाँ स्थायी लोक अदालत में इस तरह का प्रकार के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है निःशुल्क व्यवस्था है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। बिना खर्च का आप स्वतः जो है आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपको बात रखने के लिए किसी लॉयर को लाने की जरूरत नहीं है। लॉयर के पास जाइएगा, फीस लेगा, डे पर डे करते चला जाएगा और मुकदमा का समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ जो है जल्द से जल्द जो है मुकदमा का सुनवाई होता है। तो इन्हीं सब शब्दों के उपभोक्ता संरक्षण दिवस है। उपभोक्ता तो सभी हैं, हम हैं, आप सब हैं। अब लेकिन जानकारी के अभाव में अब जो उपभोग करते हैं, जो खरीदारी करते हैं या शुल्क अदा करके जो आप प्राप्त करते हैं, कभी कभार उसमें उसमें आपका अधिकार नहीं मिल पाता है। जैसे कुछ किसी प्रकार की खरीदारी की है, आप पानी का बोतल ही खरीद लिए, एक्सपायरी आप खरीद लिए, इस पानी में उपभोक्ता दिवस के अवसर पर मैं कुछ जानकारियां आप लोगों को देने के लिए आया हूं और यह मैं बताने के लिए आया हूं कि भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे नेतागण हो, चाहे हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों, न्यायाधीशगण हों, उपायुक्त हों, छात्र हों, मजदूर हों, किसान हों, उद्योगपति हों, बिजनेसमैन हों, हम सभी कोई न कोई उपभोक्ता जरूर है। उपभोक्ता का अर्थ यह होता है कि जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं, उन आवश्यक चीज़ों को हम खरीदारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो हम घर में ही उत्पन्न कर लेते हैं, घर में ही प्रोडक्शन कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ों का हम कर सकते हैं, प्रत्येक चीज़ों का हम नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों का हम क्रय करते हैं, खरीदारी करते हैं, तब उनके कुछ नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं और उस खरीदारी में अगर कोई गड़बड़ी हो जाता है तो कानून में उसका क्या प्रावधान है।